चिंगारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है, ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिलें पीछे हम हैं, आगे हमसे सारा जहां, जहां देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कश्मीर से धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी संगठन अपने अपने क्षेत्रों में खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में झांसी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संयुक्त रूप से झांसी के इलाइट चौराहे पर मिठाइयां बांटकर और पुष्प वर्षा कर संसद के इस फैसले का समर्थन किया, साथ ही खुशियां व्यक्त की। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अंचल अडजरिया ने बताया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर वर्तमान सरकार ने देश की समस्त जनता को एक तोहफा दिया है। अब कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कश्मीर में बस सकता है। कश्मीर में अब तक तिरंगा जलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब वह एक जघन्य अपराध माना जाएगा। भारत सरकार से इस फैसले से कश्मीर आज वास्तविक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया है। भारत सरकार ने चिर परिचित मांग जो विश्व हिंदू परिषद की थी, एक देश एक निशान एक विधान होना चाहिए, जो कश्मीर के अंदर नहीं था धारा 370 के कारण, उस धारा 370 को हटाने का काम भारत सरकार ने किया है, राज्यसभा के अंदर बिल लाई है, जिसकी वजह से आम नागरिक जो संपूर्ण देश का नागरिक है वो कश्मीर के अंदर जायदाद को खरीद सकेगा, प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। साथ ही साथ जो वहां पर भारत का झंडा जलाना कोई अपराध नहीं था, वो अपराध माना जाएगा, भारत की सुप्रीम कोर्ट के कानून माने जाएंगे, भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेश चलेंगे और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो वहां पर कानून व्यवस्था से लेके वित्त व्यवस्था से लेके सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से देश के अंदर एक देश होने का, जो हम कहते थे कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इस धारा 370 के हटने के बाद वो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसके ऊपर निश्चित रूप से कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हो जाएगा। अंचल जी, जैसे 370 और 35 ए समाप्त की गई है, इसके आरक्षण पे क्या कहना है आपका? जनपद सहारनपुर की कोतवाली गंगोह में आहूत शांति समिति की बैठक में ईद उल अजहा सहित अगस्त माह में तमाम त्योहारों और कश्मीर से धारा 370 हटाने के अलावा भड़काऊ बातों को लेकर चर्चा हुई और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए शालीनता के दायरे में ही जायज पशु की कुर्बानी करने की नसीहत दी गई। युवा पीढ़ी को भी रस्मों रवायतों से अवगत कराने की सलाह दी गई। बैठक में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। SDM पूरण सिंह राणा ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जोहर यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम और कश्मीर से धारा 370 को लेकर नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी बातों के बहकावे में न आएं और हर हाल में शांति बनाए रखें। CO रामशरण सिंह ने कहा कि कुर्बानी का मतलब अपने अति प्रिय की कुर्बानी देने से है। इस्लाम में हजरत इस्माइल और हिंदू में राजा मोरध्वज की कुर्बानी प्रेरणादायी है। कोई भी ऐसा कार्य न करने की अपील की जो अमन चैन के लिए खतरा हो। कोतवाल भगवंत सिंह ने कहा कि असामाजिक तत्व पूरी तरह पुलिस की रडार पर रहेंगे, जिन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र में पीस कमेटी की मीटिंग SDM साहब की मौजूदगी में और थाना प्रभारी हम सभी ने मिलकर के आयोजित किया था, जिसमें लगभग 65 गाँव के ग्राम प्रधान और सभी पार्टियों के लोग तथा दोनों समुदायों के लोग थे। यहाँ पर सभी से अपील की गई है कि हमारे अभी आने वाले ईद उल अजहा त्यौहार है हमारा, इसके बाद में फिर रक्षाबंधन और 15 अगस्त है, तो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्यौहारों को मनाएं, किसी प्रकार का कोई ऐसा
मजहबी टकराव न हो, जिसकी वजह से कि आपस में कोई ऐसी बात पैदा हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, यही सबसे अपील की गई है। और सभी ने इस बात का आश्वासन दिया कि हम लोग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इन त्यौहारों को मनाएंगे। पे जो है, जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं, ईद उल जुहा का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है और 15 अगस्त हमारा आने वाला है, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने पीस कमेटी के यहाँ पर बैठक बुलाई थी। और यहाँ पर अधिकांश गाँव के लोग और मौलवी लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लगभग कितने गांव के जनप्रतिनिधि थे प्रधान? यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 65 गांव के लोगों को बुलाए थे, 65 जनप्रतिनिधि और 200-250 लोग यहाँ पे प्रत्येक जनप्रतिनिधि आ गए थे। और इस बात तो यही हुई होगी, अनुशासन बना रखे सभी, सबको यही कहा गया कि त्यौहार में अनुशासन बनाए रखें, छोटी मोटी घटनाओं का जो है तत्काल हमें संज्ञान दें और आगे बढ़ के लोग आए, घटनाओं को ना होने दें। ये सरकार के आदेश है, बकरायद को लेके कोई नया सरकार का आदेश नहीं, तो शांति व्यवस्था पर्वों पे, त्यौहारों पे हम लोग शांति पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे कभी कोई लोगों से अट्रैक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए हमने कोतवाल को कहा कि आप लोग यहाँ पे जनता के बीच हम लोग जाएँ और वो हमको पहचाने, हम उनको पहचाने, इसीलिए यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। जनपद बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव सिनोली में ब्राह्मण पट्टी के बाहरी छोर पर हर रोज की तरह खाना बना रही काजल पत्नी सोनू कश्यप ने बताया कि वह बरामदे के अंदर खाना बना रही थी, पास में रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से रेगुलेटर ने आग पकड़ ली। आग को बढ़ता देख काजल ने शोर मचा दिया, जिससे घर में मौजूद परिवार के लोग व आस पास के पड़ोसियों ने आनन फानन में जलते गैस सिलेंडर को बाहर खींच दिया। बाहर पड़े रेत गोबर व पानी डालकर आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक आस पास की कुछ वस्तुओं व खूंटी पर टंगे कपड़े आदि जलकर राख हो चुके थे। गनीमत यह रही कि ऊपर लटक रहा बिजली का केबल, जो जलने के कारण ऊपर की वायरिंग जल चुकी थी, उस वक्त बिजली आ रही थी, उस पर भी रेत वगैरह डालकर आग पर काबू पाया गया, नहीं तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग बड़ा रूप ले सकती थी। जानसठ के डीएवी इंटर कॉलेज में एनसीसी यूपी 82 बटालियन में भर्ती के लिए छात्रों की शारीरिक दक्षता का परीक्षण लिया गया। पात्र छात्रों की 8 अगस्त को लिखित परीक्षा ली जाएगी। डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य समुद्र सेन ने बताया कि कॉलेज में एनसीसी यूपी 82 बटालियन में छात्रों की भर्ती करने के लिए केयरटेकर मोनिका व सूबेदार हरवंश द्वारा कॉलेज के छात्रों की शारीरिक दक्षता परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें पात्र छात्रों की लिखित परीक्षा 8 अगस्त को कॉलेज में संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा में पात्र पाए जाने वाले छात्र को उसके बाद ही एनसीसी में भर्ती किया जाएगा। दिनांक 6/8/19 में डीएवी इंटर कॉलेज जानसठ में 11वीं छात्राओं का, 11वीं कक्षा की छात्राओं का एनसीसी भर्ती चल रही है, जिसमें आज फिजिकल टेस्ट है इनका, इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, इनके रेस है, पुशअप है और भी काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें इनकी शारीरिक क्षमता का, कुशलता का ज्ञान होगा। और हमारे बीच में ये सर आए हुए हैं जो इनकी भर्ती कर रहे हैं और मैं इनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। जानसठ कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बुधवार को जानसठ कोतवाली परिसर में गणमान्य लोगों के साथ बैठक में आगामी त्योहारों बकरा ईद समेत अन्य पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। हालांकि बैठक में कम संख्या में लोग पहुंचे, इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि लोगों को सूचना न दे पाना, यहां तक कि मीडिया को भी सूचना नहीं दी जाती, इस बात को उच्च अधिकारी को ध्यान में देना चाहिए। बागपत की चांदीनगर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारकर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर लूट, हत्या सहित केवल 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पिछले काफी समय से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है, जबकि बदमाश का एक अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाश के विस्तृत क्राइम इतिहास के बारे में जानकारी कर रही है। पकड़े गए बदमाश का नाम राकेश है, जो चांदीनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रात बदमाश अपने एक साथी के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, तो
बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया, जिसके चलते पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जहां बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिकित्सालय में भर्ती कराया। और थाना चांदी नगर क्षेत्र में बीती रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम राकेश है, इसके पूर्व में हत्या, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट तमाम मुकदमे हैं, वो घायल हुआ है, इसमें आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित है। बागपत जनपद में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की दो बाइक व लूट का 80,000 रुपए कैश और असलहा बरामद किया है। दरअसल बागपत कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि संदीप और दीपक नाम के दो युवकों से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और बदमाश गौरीपुर निवाड़ा रोड की तरफ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और निवाड़ा के जंगल की तरफ भागे, लेकिन बदमाश पुलिस से दूर जा पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ गए बदमाशों से पुलिस ने लूट के 80,000 रुपए कैश व लूट कर भागी गई दो बाइक व असलहा बरामद कर लिया है। पकड़ गए बदमाश का नाम मनोज है, जो कि राहुल खट्टा गैंग का सक्रिय सदस्य है और उसके अन्य दोस्त साथी बदमाश पूर्व में कई लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूट के 80,000 रुपए कैश व लूट में इस्तेमाल असलहा और बाइक भी बरामद की है। कल संदीप और मनोज दीपक संदीप और दीपक नाम के दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको तीन बदमाशों ने डंडा मारा और उसके बाद फायरिंग करके उनसे 80,000 रुपये मोबाइल छीन लिया। वहां पे घेराबंदी करके एक बदमाश मनोज को पकड़ लिया गया था, बाद में शेष जो दोनों अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा जो अपराधी था उसका नाम नितेश है, जो गौरीपुर का रहने वाला है, और तीसरा इसमें जो है वो नाबालिग है। लूटा गया कंप्लीट कैश और मोबाइल 100% रिकवर हो गया। मनोज जो है उसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो पहले भी डकैती और लूट के मामले में जेल जा चुका है और पूर्व में यहाँ के कुख्यात गैंग राहुल खट्टा गैंग से संबद्ध रहा है। ये तीनों को भेजा जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव नगला राई का है, जहां सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते चार लोगों को ग्रामीणों की मदद से चरथावल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कुछ दिनों से मजदूर जागरूकता अभियान का बैनर लगाकर चार लोग चरथावल क्षेत्र के गाँव में जा जाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। ये लोग अपने आप को श्रमिक उत्थान ट्रस्ट के कार्यकर्ता बताकर भोले भाले ग्रामीणों का उल्लू बनाकर प्रत्येक व्यक्ति से 300 रुपए की ठगी कर रहे थे। ग्रामीणों को शक होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना चरथावल पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों शहजाद पुत्र तहसील निवासी शेरपुर थाना झबरेड़ा, तहजीब पुत्र ताहिर निवासी मक्काबाज थाना गागरिडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये तो वो बनवा पंजीकरण बनवाने बनाने थे, इन्होंने कहा 300 रुपए दे दे, हमें योजना मिलेगी। किसने कहा आपसे कि मतलब इस तरह से पैसे दो और आपको नौकरी मिलेगी? दो लड़के थे जी, वो एक लेडीज थी, दो लड़के थे, एक लड़का था एक लेडी थी। जब मौके पे वो क्या बोल रहे थे लोग? कहने लगा हमें सरकारी योजना मिलेगी और उसका लाभ उठा लो। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ही हम जैसे कागज दे गए वन से चले गए। कब दिए थे आपने पैसे? ये 10 बजे करीब। ये तो ये क्या कह रहे हैं फिर अब? जब कुछ नहीं, वहाँ पुलिस चले गए थे लिया मतलब। अजी हम राशन कार्ड राशन लेने जा रहे थे जी, वहाँ पता लगा जी पंजीकरण बना रहे, तो वहाँ से जी आधार कार्ड की टूकॉपी ली, बैंक की टूकॉपी ली जी, उन्होंने 300 रुपए ले रहे जी। मैं तो हमने बनवा ली जी, तो समद ने बताया जी, फिर समद ने निकल ला जी भेज, ना हमें रसीद दी जी कोई, ना कुछ पता जी, हम तो घर आ गए थे जी। अच्छा, पैसे किस चीज़ मतलब क्या क्या पैसे लिए आपसे? केले जी, लड़की के ब्याह में 65,000 रुपये मिल जाएगा जी। हर जी सरकारी साल भर में 3,000 रुपये आ जा करके आपके खाते में। तो आपको ये कब मालूम पड़ा कि ये लोग फर्जी हैं? ये समझ ने बताया जी। उसके बाद में क्या किया है जी? उसके बाद में क्या किया? वो कुछ नहीं जी, थाने में पुलिस आ गई थी, पुलिस ले आई थी। और क्या चाहते हो है जी? अब क्या चाहते हो जी? पैसे मिल जाए जी हमारे पास।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित कमला फार्म हाउस में आगामी त्योहारों को लेकर एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र सिंह, सीओ सदर धनंजय कुशवाहा व थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने शांति समिति की बैठक ली तथा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। ईद उल अजहा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन आदि त्योहारों को देखते हुए मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित कमला फार्म हाउस में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व अपने स्वार्थों की खातिर लोगों को आपस में दोनों संप्रदाय के लोगों को लड़ाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ईद एक समुदाय का त्योहार नहीं है, सभी को एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर सौहार्दपूर्ण तरीके से इसे मनाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही आपत्तिजनक पोस्टों से भी दूर रहने की सलाह दी। सीओ सदर धनंजय कुशवाहा ने कहा कि सच्ची कुर्बानी वही है जो प्रेम पूर्वक तरीके से मनाए तथा किसी की भावनाओं को आघात न पहुंचाए एवं कुर्बानी को उसी स्थान पर करे जहां प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने कहा कि त्योहारों को सभी को आपस में मिलजुल कर मनाने से आपसी सौहार्द और एकता को बल मिलता है। एकता से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल किया जा सकता है। समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को सभी से अपील करते हुए एकता की सोच सिखाते हुए आपस में भाईचारा रखना चाहिए। एकता एवं संगठन से ही सभी कार्य हो सकते हैं। आपको पता ही है अभी हमारा बकरीद का त्यौहार आने वाला है 12 तारीख को, उसके बाद रक्षाबंधन है 15 अगस्त, तो पूरा हफ्ता हमारा त्योहारों से ही भरा हुआ है। इसी संबंध में किस तरह की क्या क्या चीज़ों का पालन करना है, बिजली पानी के संबंध में कोई दिक्कत है तो उसको कैसे दुरुस्त करना है, और ईद पर विशेषकर कहाँ नमाज पढ़ी जानी है, जो कुर्बानी के बाद अवशेष हुआ उसे किस तरह डिस्पोजल करना है, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर गांव के समस्त प्रधानों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग बुलाई गई थी। और पिछले वर्षों में क्या हुआ है, कहीं कोई समस्या तो नहीं रही है, उस बात पर भी हमारी चर्चा हुई। इन्हीं सब बिंदुओं पर मीटिंग बुलाई गई थी जिससे हमारे सारे त्यौहार हुए शांतिपूर्वक अच्छे से बीत सके। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव ददेड़ू खुर्द में देर शाम एक युवती के घर लेटर डालने गए युवक को परिजनों ने घर में लेटर डालते हुए देख लिया। परिजनों ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन आरोपी युवक उन्हें चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिस पर परिजनों ने घंटों हंगामा काटा। घटना की सूचना मिलते ही एसपीसीटी सतपाल अंतिल कई थानों की फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन कर हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया, परिस्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी मन्नान पुत्र अब्बास के विरुद्ध छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी सहित पॉक्सो व एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली पुलिस व एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 16 साल से 6 लोगों की हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जमीनी विवाद को लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नरसंहार किया था। 2003 में आरोपी ने ऑटोमेटिक कार्बाइन से 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और साधु का रूप धारण कर इधर से उधर छिपता फिर रहा था, जिसे आज मेरठ एसटीएफ व बाबरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम देवेंद्र उर्फ नीटू बताया जा रहा है, जो शामली जनपद के गांव बुटराड़ा का निवासी है। आरोपी देवेंद्र पर 12,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। देवेंद्र उर्फ नीटू पुलिस की नजरों से बचकर 16 साल से फरार चल रहा था। 2003 में हुए नरसंहार में देवेंद्र आरोपी था, जिसे पुलिस व एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। शामली के नरसंहार में 9 नामजद आरोपियों में से 3 के एनकाउंटर किए गए, 2 आरोपियों को फांसी की सजा हुई व 3 अन्य आरोपी जेल भेजे गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी देवेंद्र उर्फ नीटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जनपद शामली के थाना बाबरी का मामला है। इसमें 2003 के आसपास एक गांव में, बुटराटा गांव में, तो करीब 6 के आसपास मर्डर्स हुए थे एक ही गांव में। काफ़ी हाईलाइटेड मामला था, सनसनी केस था, और इसमें एक नीटू और देवेंद्र नाम का बदमाश काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था और वो 12,000 का इनामी अपराधी भी था। इसको एसटीएफ की यूनिट ने और थाना बाबरी ने उस पर प्रयास करके इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसको जेल भेजा गया है। ये 12,000 का इनामी अपराधी था। इसमें एसटीएफ और बाबरी पुलिस को अच्छी सफलता इसमें हासिल हुई है, इसकी प्रशंसा की जाए। सर, साधु के वेश में बताया जा रहा है रह रहा था सर। पूछताछ में बात सामने आई थी कि ये बदमाश घटना करने के बाद
फरार हो गया था और विभिन्न स्थानों पर साधु का वेश बना करके रहता था और साथ ही साथ जगह भी बदलते रहता था, एक ही स्थान पे एक महीने से ज़्यादा नहीं रुकता था और इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक ये पुलिस से अपना बचाव करता रहा। कुछ लोग यह भी बताए कि ये घर पे भी बीच बीच में आता था मगर सुबह होने से पहले ही चला जाता था, इस तरह की बातें भी पूछताछ में आई। फिलहाल इसको गिरफ्तार करके 12,000 के इनामी अपराधी को इसको जेल भेज दिया गया। नाली के पानी की निकासी ना होने पर पड़ोस के ही रहने वाले दो पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल मामला जनपद मेरठ के थाना बहसुमा के गांव सैफपुर फिरोजपुर के न्याधीपुरी मोहल्ले का है, जहां लोगों के आने जाने के लिए गली में टाइल तो बिछी हुई है मगर पानी की निकासी के लिए नाली नहीं बनी है। नाली ना बने होने के कारण बरसात में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे लोगों ने परेशान होकर घरों के सामने से काफी ऊंचाई कर रखी है जिससे पानी अंदर ना घुस सके, जिससे पीछे के घर वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके सामने पानी भर जाता है और उनके निकलने की जगह तक नहीं बचती। निकासी को लेकर दो घरों में आपस में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में मारपीट तक हो गई, जहां खूब लात घूंस चले। दोनों पक्षों ने थाना बहसुमा में रामराज चौकी पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि उसके बाद हमने कहा ऐसे नहीं, मतलब जो आपका अंदर का पेशाब वगैरह आएगा और डंगरों का गोबर वगैरह नहीं आएगा हमारे आगे जाने का, फिर नहीं होते हैं बनाए। उसके बाद उन्होंने मतलब नाली बनी हुई नहीं तुम्हारे उस पर? हाँ जी, रास्ते पे तुम्हारे नाली बनी हुई नहीं है? नहीं नहीं, आज तक नहीं बनी, पहले गुरंजा बना तब नहीं बनी। फिर उसके बाद कहने लगे उन्होंने हमारे रास्ते के सामने मतलब नाली बनाने लगे। क्या कारण है नाली बनी हुई क्यों नहीं तुम्हारे वहाँ? वो तो कई मतलब रोक टोक है, कई बार सुन कह रहे हैं आगे नाला नहीं खुला, नाली का सीधा खुलेगी रोड पे पानी आएगा। अच्छा, कोई अच्छा। मतलब कई है इसमें वो। फिर क्या हुआ? फिर वो क्या नाम उसका लेडीज बदतमीज करने लगी, आगे हाथ दबाई करने लगी, मेरी मम्मी से मैं गया और उन्होंने ठाक मेरी मम्मी की ईंट मारी, तो मैं छुड़ा करने लगा, मेरी मार मतलब पकड़ के मेरे कपड़े फाड़ गए, सर देख के आए थे। निकलन नहीं देते, अगर जो हम पानी निकालते हैं तो पड़ोस वाले हमें पीटते हैं। क्या नाम है आपका? कुंती। सुनते, अच्छा तो क्या है नाली का विवाद है? हाँ जी, नाली का विवाद है। अच्छा, तो पानी की निकासी नहीं हो रही तुम्हारे? हाँ, पानी की निकासी नहीं। अच्छा, तो इसमें जो है आज सुबह क्या हुआ फिर? आज सुबह यही हुआ जी, मैं तो घर पे अंदर थी जी। ये बाहर खड़े थे सब, इन्होंने बाहर निकल के डोर लगा दी, डोर निकालने के बाद जी इन्होंने कहा उसे बुला कर लाओ अंदर से, जो यहाँ को पानी निकाल रही है वो बड़ी दादा बन रही है, वो मारने चढ़ती है पीटती है। तो मैं भीतर से बाहर आई तो मैं आकर खड़ी होकर सुनन लगी, इन्होंने जो जी मारपीट की, फिर मेरे पहा भी हुई है, मैंने तो जब तक कुछ भी नहीं कहा था, जब ये मैं बोल चाल भी नहीं हुई, इन्होंने मेरे पर मारपीट कर दी। लड़का था, इसकी मम्मी थी, इन सब ने मुझे मेरे बाल पकड़ के जो है नीचे देख मारी और जी एक ने पीछे कर दी। कौन है पड़ोसी हैं तुम्हारे? हाँ जी पड़ोसी है। क्या नाम है? लाडी है। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला प्रभारी मनीष गुज्जर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गांव रंडावली में तालाब की सफाई न होने के कारण बरसात का पानी तालाब से बाहर निकालकर आसपास के मकानों में भर जाता है, जिसकी वजह से गांव वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने वीडियो का घेराव कर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द तालाब की सफाई कराने की मांग की। आज पुरकाजी ब्लॉक पुरकाजी पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, बीडीओ साहब का घेराव किया, क्योंकि पुरकाजी ब्लॉक के अनेक गांव में तालाब की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि तालाब की सफाई ना होने के कारण तालाब का पानी तालाब से बाहर निकल के लोगों के घरों में और खेतों में भरना शुरू हो गया। गाँव के नाले बिल्कुल बंद हो चुके हैं, नालियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, सफाई कर्मियों का कोई कुछ पता नहीं, गाँव में नलके लग रहे, उन नलकों का भी रिबोर हो रहा है, लेकिन वे नलके रिबोर नाम पर एक बस मात्र फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही, लेकिन वे चलते हैं नहीं। लोगों की इतनी समस्याएं हैं, कई बार पिछले एक महीने से मैं लगातार तालाब के काम पर बीडीओ साहब को सचेत करता हुआ आ रहा है कि बीडीओ साहब तालाब की सफाई करवाई जाए, गांव रंडावले का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए आज बीडीओ साहब का घेराव करें यहाँ ब्लॉक पुरकाजी में। और अगर हमारी 3 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता
तो चौथे दिन बहुत बड़ी संख्या में पुरका जी ब्लॉक का घेराव किया जाएगा भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा। जैसे कि आपने बीडीओ साहब का घेराव किया था, तो क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से आपको? बीडीओ साहब ने कल ही काम करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हम फिर भी दो या तीन दिन का टाइम देते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान दो या तीन दिन के अंदर में हो जाए, तो कोई समस्या तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो तीन दिन के अंदर नहीं होती तो भारी संख्या बल के साथ मैं घेराव करूँगा। निर्माणाधीन मकान में अवैध कार्यों की सूचना पर पहुंची टाइल हंटर पुलिस ने मौके से एक अर्धविक्षिप्त महिला को पकड़ लिया। साथ में ले जाने पर कस्बे के व्यापार मंडल में 100 डायल नंबर पुलिस कर्मियों की तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बता दें, जनपद शामली के कानला कस्बे के मोहल्ला शेख जादगान में सीमेंट व्यापारी शरद अपना एक निर्माणाधीन मकान बना रहे हैं, जिसका बरसात के कारण निर्माण अधर में लटका हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि निर्माणाधीन मकान में कई तरह के अवैध कार्य होते हैं, जैसे नशाखोरी, देह व्यापार, जुआ सट्टा आदि। आरोप है कि मंगलवार देर रात निर्माणाधीन मकान के पड़ोसी अंकुर अग्रवाल ने पहले तो स्थानीय थाना प्रभारी का नंबर मिलाया, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उसके बाद तो उन्होंने डायल 100 पुलिस पर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में छापामार कार्रवाई की, तो वहां से कुछ युवक युवती भागते दिखाई दिए, लेकिन बाद में पुलिस ने एक अर्धविक्षिप्त महिला को मौके से पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने से मना करने लगे। इस पर मौके पर मौजूद व्यापार मंडल के अधिकारी डायल 100 पुलिस कर्मियों पर भड़क उठे। इस पर डायल 100 पुलिस कर्मियों ने कहा कि हमारे इंस्पेक्टर ने अर्धविक्षिप्त महिला को अपने साथ ले जाने से मना किया है। इस पर व्यापार मंडल के अधिकारी और आग बबूला हो गए। बाद में पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और स्थानीय थाने से महिला कांस्टेबल बुलाकर अर्धविक्षिप्त महिला को अपने साथ ले गई। इसमें मैं जिस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बात यह है कि हमारा ख्याल ये है कि जो महिला ये वक्त पर पकड़ी गई है, दिखाई दी है, ये निश्चित रूप से एक समझ लिया आड़ है। जिस तरह की लोकेशन है वहाँ से इसकी आड़ में, ताकि आगे का अगर कोई फंसने लगे तो ऐसी स्त्रियों कर दो कि भाई ये तो कम बुद्धि की है, मांगने वाली है, भिखारी है, लेकिन वो बिल्कुल स्मार्ट रही होंगी जो इतनी तेजी से भाग सकती है। असली बात ये केवल अब ध्यान केवल इस महिला पर केंद्रित ना करके इस बात पर ध्यान भी दिया जाए कि ये आड़ में आखिर कौन हो सकती है, कौन गैंग हो सकता है, क्या उनका प्रयोजन हो सकता है, ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की भी बात है, और ताकि सुरक्षा और माहौल दोनों सही हो। अच्छा, अंकुर भाई के द्वारा बताया गया है कोई गलत व्यापार भी चल रहा है यहाँ पे, क्या? हाँ, तो वो जब खुले पड़े हैं, रात को अर्धनिर्मित भवन है, तो निश्चित रूप से उसका असामाजिक तत्व तो किसी भी प्रकार से उसको उपयोग कर सकते हैं, छुपने के लिए कर सकते हैं, प्लानिंग के लिए कर सकते हैं, और अवैधानिक कार्य के लिए, देह व्यापार के लिए कोई भी काम हो सकता है इसमें। क्या कितने दिन से लगभग ये कार्य चल रहा है यहाँ पर? कार्य से मतलब आपका या भवन निर्माण से मतलब? हाँ, भवन निर्माण। हाँ, ये जो बिल्डिंग पड़ी है, ये जो पड़ा है अर्धनिर्मित, हाँ। ये कई महीने से पड़ा है, कभी कुछ काम थोड़ा बहुत होता है फिर रुक जाता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया है कि यहाँ गलत कार्य भी होता है, हो सकता है हाँ। क्या इस तरह की कोई सूचना मिली आपको? नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह के अवैध, जिस तरह का अर्धनिर्मित पड़ा है, निश्चित रूप से ऐसी जगहों का ही लोग असामाजिक तत्व उपयोग किया करते हैं। ये हमारा तात्पर्य कतई नहीं है कि वो इस वक्त हो रहा है, हम कैसे कह दें हो रहा हो सकता है। आज पकड़े, जब तक हम, वो एक बात है ना कि जब तक कोई आदमी नहीं पकड़ा है सब ईमानदार है। बिल्कुल सही बात। जब तक कोई चोर चोरी करते ना पकड़े जाए, कहाँ है वो चोर? तो वही वाली बात है कि अभी अर्धनिर्मित मकान का, ऐसी जगह का लोग उपयोग किया करते हैं, ऐसा मैं तत्व इस्तेमाल। आज ये लोग कहाँ घुस गए थे? आज ये लोग जो पुलिस लेगी एक महिला को, आज कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? वो यहीं से जब वो शोर शराबा मचा और पब्लिक ने देखा कि भाई ये ऊपर से महिलाओं ने देखा कि भाई कोई दो तीन महिलाएं इधर से कूदने का चढ़ने का प्रयास कर रही हैं, तो जब शोर हुआ तो वो एकदम भाग गई। मतलब, और ये क्योंकि उतनी तेज शायद नहीं भाग सकती, भागने वाली थी ये जो पकड़ी गई है, इसको पकड़ा गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी ये उनकी ढाल है, ताकि अगर फंसने लगे तो इसको। आप क्या मानना है, कहाँ घुसने का प्रयास कर रहे थे? ये सब इन्वेस्टिगेशन, ये तो काम मतलब सबके दायरे में हुआ है सब, ये बस सबके दायरे में है, और भी कुछ नहीं, तो कम से कम ये तो है कि ऐसी जगह पर ऐसा सामाजिक तत्व ढूंढते हैं, आश्रय लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और इस हमारा जो इसकी जो इस भवन के मालिक हैं उनसे हम सुबह वार्ता करके उसको उस पर शीघ्र दरवाजा लगे, उस पर बंद हो, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और कोई बड़ी घटना न हो। बड़ी घटना भी तो हो सकती है ना।
हमारा घर जो है पोस्ट ऑफिस वाली गली में है, और यहाँ पर हमारे घर के बराबर में सरस सीमेंट वाले ने एक मकान बनाया हुआ है जिसका अधूरा निर्माण किया हुआ है काफ़ी वर्षों से, जिसके अंदर काफ़ी कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, जुआ भी खेला जाता है और लेडी जो है महिला धंधा भी कर रही है। अच्छा, ये मुझे समय समय पर जानकारी हुई, आज हमने जो है रंगे हाथों पकड़ा है। किनको पकड़ा आपने? महिला को, एक महिला पकड़ी गई, दो महिला वहाँ से भाग गई। अच्छा, और पता नहीं उस उनके साथ में लैंग्वेज भी उनकी समझ में नहीं आई हमारी, पता नहीं हरियाणवी है कौन सी है, और ऐसा भी हो सकता है कि दीवार से सबकी दीवारें मिली हुई हैं पूरे मोहल्ले की और कहीं से कहीं तक जा सकती है। इनके साथ में 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, कौन है, कल डकैती हो जाए या अपहरण की कोई वारदात हो जाए हम नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा तो ये हमें नहीं पता, ठीक है, पुलिस प्रशासन होगा, सरकार होगी, इसमें कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ जी, मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया था, एसओ साहब ने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया तो 100 नंबर पे दो लोग आए जीप में बैठ के, और बल्कि उन्होंने ये बोला कि जो है कि हमारे सचिन गोयल, ईश्वर दयाल कंसल जी और काफ़ी जो हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर एकत्रित थे, तो उन्होंने वो महिला तो ले गए यहाँ पर चौराहे पे ही छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भाई इंचार्ज जो है हमारे, उन्होंने ऐसे ही बोला है कि इसको यही छोड़ दो, और फिर जब हमारे कंसल साहब ने और गोयल साहब ने बोला कि भैया ऐसा कैसे इसको छोड़ रहे यहाँ छोड़ दे, तो कहने लगे भाई 100 नंबर पर फ़ोन मत किया करो। कौन बोला? ये जो है दो पुलिस वाले थे, एक उनमें से एक पुलिस वाला बोला, ठीक है, जो 100 नंबर की जीप में आए थे 100 डायल वाले ने बोला, तो हम सरकार से पूछेंगे कि ये 100 नंबर पब्लिक के लिए नहीं है, केवल जो है केवल और केवल ये जो है इनके लिए गाड़ियां दी गई हैं एसओ आराम के लिए, 100 नंबर आप बंद कर दीजिए क्योंकि पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक की सेवा के लिए नहीं है, केवल इनको जो है इनकी रिश्तेदारियों में और इनके अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए इनको 100 डायल वाली गाड़ियां इनको प्रदान कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। तो अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिस तरीके से आप इकट्ठे यहाँ पर? उसके बाद जब हमने बात करी तो इन्होंने, जब हंगामा हुआ यहाँ पर तो फिर शहर इंचार्ज राजकुमार जी आए और दो SI आए यहाँ पर, और उन्होंने फिर जो है इनके बयान वगैरह और ये महिला को लेके गए, और उसके बाद ये सोच रहे हमने प्रयास किया कि अपना घर आश्रम पे छुड़वा दें, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई कोई आश्रम यहाँ पे कांदला होना चाहिए था जो कि कांदला नहीं है, फिर हमने पूछा कि भाई शामली है, तो शामली बताया अपना घर आश्रम में केवल पुरुषों के लिए है और वहाँ से नंबर मिल जाएगा अपना घर आश्रम दिल्ली के लिए। क्या लगता है महिला बेसहारा है, क्या लगता है यमन बुद्धि? देखो जो महिला है वो ना तो मंदबुद्धि है, वो सोची समझी प्लानिंग है उसकी, दोस्त के साथ और बालिकाएं थी वो जो कि भाग गई। क्या क्या लगता है क्या मंसूबे होंगे उन लोगों के जो भागे हैं? देखो मंसूबे तो देखो पुलिस प्रशासन ही उसका देख सकता है कि उनका मंसूबा क्या है। हम तो देखो जो हैं शरीफ आम नागरिक हैं और भोली जनता है। अच्छा, जिस तरीके से आपने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पर पहुंची है, क्या रवैया रहा है इस पूरे मामले में पुलिस का? पुलिस का रवैया पहले तो गंदा था जो 100 डायल वाले थे, लेकिन बाद में जो हमारे शहरी इंचार्ज आए और दो SI आए उनका रवैया बहुत अच्छा था। क्या उम्मीद? बात करने का अच्छा था। क्या और प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही है कि अभी तो वो ले गए उस महिला को और महिला के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं कि उस महिला को कहाँ रखे, ठीक है, जबकि वो माइंड डिस्टर्ब नहीं है। देखो उसके लिए पुलिस, महिला पुलिस होती है, महिला पुलिस के द्वारा उससे जांच पड़ताल की जाएगी भाई तुम्हारे साथ कौन कौन है, कितना बड़ा गैंग है और गैंग तुम्हारा कहाँ छुपा हुआ है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आश्रम ढूंढा जाए।
योगी सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर आए दिन हो रही छेड़छाड़ से महिलाओं व युवतियों को मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी, लेकिन सड़कों से आज एंटी रोमियो स्क्वाड नदारद है। लगातार महिलाओं से बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर समाज में आक्रोश है। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली के थाना भवन कस्बे से सामने आया है, जहां पिछले काफी समय से एक मजनू स्कूल जाने वाली एक छात्रा को आए दिन छेड़छाड़ करते हुए परेशान किया करता था। लड़की ने छेड़छाड़ की सूचना परिजनों को दी। लड़की ने परेशान होकर स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। परिजनों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर परेशान कर रहे मजनू को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आखिर सवाल यही बनता है कि आए दिन लड़कियों के साथ कस्बे में छेड़छाड़ हो रही है और थाना भवन पुलिस इन घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और स्कूल टाइम में जब भी लड़कियों की छुट्टी होती थी तो ये बाइक पर गश्त कर अपने चक्कर काटता था और उस अंतर परसों लड़की का उसने पकड़ा। लड़की ने विरोध में इसके दो चार लगा दिए, उसके बाद ये लड़का भाग गया। पर से बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी तलाश में थे, तो आज ये स्कूल टाइम में हमें मिल गया, क्योंकि उस बहन की जो दशा है रात हमसे देखी नहीं गई, उसका इतना बुरा हाल है रो करके इसके साथ ही हरकत करें कि उस बहन ने कल से ना तो ट्यूशन गई ना स्कूल गई और ना कोई खाना खाया। हमने उसे रात आश्वासन करा कि जो भी राक्षस है उसे हम छोड़ेंगे नहीं और आज हमने इसे फील्डिंग लगा करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से पकड़ लिया। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।